स्वागत है दोस्तों आपको हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों इस मशीन को सीखने के बाद भी चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना डेंजर जगह में चलता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि अब तो पलटी हो जाएगा मशीन। कुछ इस तरह से नीचे ऊपर होता है मशीन, देखिए। देखिए कितना नीचे उतरा है, मोबाइल में तो पता नहीं चल रहा है, वीडियो में, क्योंकि वीडियो में तो पूरा लेवल दिखता है। ये कम से कम होगा तो 10 फीट होगा हाइट। देखिए कुछ इस तरह से काम होता है, देखिए कितना डेंजर है। चलिए थोड़ा ये उस्ताद जी से बात करते हैं। उस्ताद जी, क्या ये मशीन सीखने के बाद आसान है चलाना? क्या आसान नहीं है इस मशीन में? पूरा जिंदगी कुछ ना कुछ सीखना है, ऐसा नहीं है कि सीख लिया तो पूरा सीख लिया। अच्छा उस्ताद जी, आखिर ये बताइए, ये ऊपर जो पहाड़ी का जो कटिंग हुआ है हाइट में, वो कैसे हुआ है? इसको कटिंग करने के लिए अभी ये जो पहले कटिंग नहीं हुआ था तो उस टाइम कटिंग कर करके रोड बना के ऐसे पोकड़ी को ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, पूरा रेम बना के? पूरा रेम बना के, उसके बाद ऊपर से कटिंग कर करके नीचे। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई नया आदमी हो जो सीखा हो तो क्या यहाँ चला सकता है? क्या नहीं चला सकता है यहाँ पे? चलाने के लिए कम से कम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि आप लोडिंग कर सकते हैं, वो जो फ्रंट कटिंग है ऊपर चढ़ के आप नहीं कटिंग कर सकते। अच्छा, ज़्यादा डेंजर होता है क्या? ज़्यादा डेंजर होता है, देख के ही डर लगता है। अच्छा, ये 200 फीट का पहाड़ी है। ठीक है, आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे चलाने के लिए कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी का काम है। इधर नीचे तो लोडिंग कर सकते हैं, पर जो फ्रंट का जो कटिंग होता है वहाँ नया ऑपरेटर नहीं चल सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ अगर आना है आप लोगों को तो कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका होना ज़रूरी है। ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।